नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को विज्ञान में कुछ तत्वों के नाम बताऊंगा और कुछ यौगिकों के नाम भी बताऊंगा और उनके सूत्र भी, रासायनिक सूत्र भी बताऊंगा। तो पढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं और उनका संकेत क्या है। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस टेबल में ये जो तालिका बनी है, इसमें यहाँ एक तरफ लिखा है तत्व का अंग्रेजी में अंग्रेजी नाम, फिर यहाँ लिखा है तत्व के परमाणु, प्रतीक और संकेत, तत्व का अंग्रेजी नाम, और फिर वही लिखा है तत्व के परमाणु, प्रतीक और संकेत। तो पहले एक तरफ का पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व को हम किससे दर्शाते हैं, एच से। फिर जो कार्बन तत्व है इसको सी से दर्शाते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम एफ से दर्शाते हैं। ये सब संकेत हैं। अगर ऐसा केमिस्ट्री में कहीं या विज्ञान में कहीं लिखा हुआ है तो इससे हम पहचानेंगे कि अगर एच लिखा है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन तत्व है, सी लिखा है तो इसका मतलब ये कार्बन का तत्व है। ठीक, इसीलिए संकेत बना दिए गए हैं कि हमको इतना बड़ा ना लिखना पड़े, हम छोटा सा लिख के ही उसको समझ सकें। नाइट्रोजन को एन से दर्शाते हैं, फास्फोरस को पी से दर्शाते हैं, सल्फर को एस से दर्शाते हैं, एल्युमिनियम को एल से दर्शाते हैं, आर्गन को एआर से दर्शाते हैं, वहीं ब्रोमीन को बीआर से दर्शाते हैं, कैल्शियम को सीए से दर्शाते हैं, क्लोरीन को सीएल से दर्शाते हैं, कोबाल्ट को सीओ से दर्शाते हैं, हीलियम को एचई से दर्शाते हैं, मैग्नीशियम को एमजी से दर्शाते हैं, नियॉन को एनई से और सिलिकॉन को SI से। ठीक, तो ये इतने एलिमेंट हैं, इनको इनके जो संकेत हैं इनके सामने लिखे हुए हैं। और संकेत को लिखने का फ़ायदा क्या है कि इनका इस्तेमाल अगर हमें कहीं लिखने में या पढ़ने में करना होता है तो हम सिर्फ H लिख के ही समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का तत्व है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे तत्वों के अंग्रेजी नाम दिए हैं और उनका लैटिन नाम भी दिया हुआ है और साथ में संकेत भी दिया हुआ है। देखिए, अब सोडियम का इंग्लिश ना अंग्रेजी में नाम सोडियम ही है, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है उसको बोलते हैं क्या, नेट्रियम। ठीक, इसका संकेत हो गया Na। कॉपर को देखते हैं, कॉपर का जो लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। क्या कहते हैं, क्यूप्रम। क्यूप्रम संकेत क्या हो गया इसका, Cu। इसीलिए देखिए सोडियम का जो नाम है अंग्रेजी SODIM है, लेकिन वहीं इसका लैटिन नाम NATRIUM नेट्रियम है, तो नेट्रियम का जो आगे का Na है वही इसका संकेत बन गया। ठीक, ऐसे ही कॉपर का देखिए, कॉपर में COPPER है, कॉपर इंग्लिश नाम इसका, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो CUPRUM है, क्यूप्रम। तो जो Cu है इसका, वो Cu इसका बन गया संकेत। वैसे ही आयरन का देखिए, आयरन का लैटिन नाम क्या है, फेरम। अब फेरम का जो आगे का Fe है वही इसका संकेत बन गया, Fe। पोटेशियम, पोटेशियम का देखिए अंग्रेजी नाम पोटेशियम ही है, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो क्या है, कैलियम। इसीलिए इसका जो आगे का K है ये इसका पोटेशियम का संकेत हो गया। अगर हमको पोटेशियम लिखना है तो पोटेशियम का संकेत लिखना है तो क्या लिखेंगे, के। सिल्वर देखते हैं, सिल्वर का लैटिन नाम क्या है, अर्जेंटम। अर्जेंटम में देखिए ए और जी मिला के यहाँ पे Ag बना दिया गया, इसके लैटिन नाम से खोज के इसका संकेत बना दिया गया, Ag। वैसे गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड आउरम, इसका जो लैटिन नाम है वो आउरम है, इसको Au कहते हैं। फिर आगे देखते हैं गोल्ड का, गोल्ड का क्या हो गया, आवरम, आवरम का Au। फिर देखते हैं पारा, पारा क्या होता है इंग्लिश नाम इसका, मरकरी। इसका जो लैटिन नाम होता है हाइड्रा गायरियम होता है, हाइड्रा गायरियम Hg, संकेत क्या हो गया इसका, Hg। आगे देखते हैं, ये तो सारे क्या हो गए, तत्व। अब आगे जो तालिका दी गई है देखिए इसमें क्या है, ये तालिका में दिया है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के नाम,
और उनके रासायनिक सूत्र साथ में दिया गया है कि किन किन तत्वों से मिलके ये यौगिक बनते हैं और इनमें परमाणुओं की संख्या क्या है। देखते हैं यहाँ पे लिखा है यौगिक, यानी इस यहाँ पे इसके नीचे सब लिखे हैं यौगिक के नाम, यहाँ पे उनके रासायनिक सूत्र लिखे हैं नीचे, और उस यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं यहाँ पे लिखा है, उन तत्वों के संकेत क्या हैं, और यहाँ पे उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है। तो पहला यौगिक देखते हैं, यौगिक को क्या कहते हैं, कंपाउंड। देखिए पहला देखते हैं सोडियम क्लोराइड, इसी को क्या कहते हैं, नमक। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। अब देखिए इसमें एक तत्व कौन सा हो गया, Na, और एक हो गया Cl। तो Na को क्या कहते हैं, सोडियम, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोरीन। सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है, और क्लोरीन का संकेत होता है Cl। अब Na के कितने परमाणु हैं, देखिए Na के कितने परमाणु हैं, सिर्फ एक, और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, सिर्फ एक, क्योंकि Na के अगल बगल ऊपर नीचे कोई भी अंक नहीं लिखा है तो सिर्फ एक माना जाएगा, और Cl के ऊपर नीचे अगल बगल कोई अंक नहीं लिखा है, इसका मतलब Cl भी एक ही है। तो इसलिए सोडियम का भी एक ही परमाणु है और क्लोरीन का भी एक ही परमाणु है। दूसरा यौगिक देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। कौन कौन से तत्व हैं इसमें, पहला कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो कार्बन का संकेत क्या हुआ, सी, ऑक्सीजन का संकेत हुआ ओ। अब देखिए सी के कितने परमाणु हैं, तो सी के अगल बगल देखिए कोई अंक है, नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एक परमाणु है। लेकिन ऑक्सीजन के अगल बगल देखिए तो ऑक्सीजन के नीचे दो लिखा है, ऑक्सीजन के बगल में नीचे दो लिखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तीसरा देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को कहते हैं गंधक का अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4। अब इसमें देखिए कौन कौन से तत्व मिले हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा सल्फर, तीसरा ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का संकेत H होता है, सल्फर का S होता है, ऑक्सीजन का O होता है। अब देखते हैं किसमें कितने किसके परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के बगल में दो लिखा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। अब S के बगल में देखिए, S के अगल बगल, S के राइट नीचे कोई अंक नहीं है, क्योंकि जो दो लिखा है वो तो हाइड्रोजन के नीचे लिखा है, S के नीचे कहीं नहीं लिखा है, तो S का एक ही परमाणु होगा। अब O का देखते हैं, तो O के नीचे दाहिनी तरफ चार लिखा है, इसका मतलब O के चार परमाणु हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं, चौथा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HNO3। तो इसमें कौन कौन से तत्व मिले हैं, पहला तो हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। देखिए अब हाइड्रोजन के दाहिनी तरफ या नीचे, दाहिनी तरफ नीचे कोई भी गिनती नहीं लिखा हुआ है, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन अकेला है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया। फिर N का देखते हैं, तो N के दाहिनी तरफ नीचे कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का एक परमाणु है। लेकिन O के दाहिनी तरफ नीचे ये क्या लिखा हुआ, तीन लिखा हुआ ना, इसका मतलब O के तीन परमाणु हैं। अब अगला देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसी को कहते हैं चूना पत्थर। इसका फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र CaCO3, कैल्शियम। अभी किससे किससे मिलके बना है, एक कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम के कितने परमाणु हैं, देखिए Ca के दाहिनी तरफ नीचे की तरफ, दाहिने नीचे की तरफ कोई अंक नहीं लिखा है, तो क्या माना जाएगा, जब कोई अंक नहीं लिखा होता तो एक ही माना जाता है, तो कैल्शियम का एक परमाणु है। अब देखिए कार्बन, कार्बन के नीचे भी दाहिनी तरफ कोई अंक नहीं लिखा है, यहाँ पे ये दाहिनी तरफ कोई अंक नहीं लिखा हुआ है,
तो अगर कोई अंक नहीं लिखा है तो एक ही माना जाएगा, यानी एक परमाणु है कार्बन का भी, लेकिन ऑक्सीजन के दाहिनी तरफ क्या लिखा है? तीन। ऑक्सीजन के दाहिनी तरफ नीचे तीन लिखा हुआ है, तो अगर तीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के तीन परमाणु हैं। अगला यौगिक देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं चूने का पानी। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। कैसे पढ़ते हैं इसको? CaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला हो गया हमारा कैल्शियम है, इसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक, तीन तत्व से मिलके बना है कैल्शियम। कैल्शियम के अगल बगल दाहिनी तरफ नीचे देखिए कोई अंक है? नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एक परमाणु है कैल्शियम का। अब देखिए यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है, होल ट्वाइस का मतलब होता है कि जो ये O है ये ऐसे है और ये H जो है ये भी ऐसे है, यानी ये जो दो है ये O के नीचे भी लगा हुआ है और H के नीचे भी लगा हुआ है। तो जब ब्रैकेट हटा के लिखेंगे तो 2 O के नीचे भी चला जाएगा और H के नीचे भी चला जाएगा। तो क्या होगा जब इस तरह होगा? तो O के दो परमाणु हो जाएंगे और हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हो जाएंगे, ठीक। अब अगला देखते हैं, चीनी शक्कर, इसका फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ये हो गया चीनी का फार्मूला, जो चीनी खाते हो ना उसी का फार्मूला है समझ लो। कौन कौन से तत्व से मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे बताइए कार्बन के नीचे कितने अंक लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है? तो कार्बन के नीचे हमारा कोने पे क्या लिखा हुआ है? 12, 12 लिखा है ना, तो कार्बन के 12 परमाणु हो गए। वैसे हाइड्रोजन के कोने पे कितना लिखा है दाहिनी तरफ नीचे? 22 लिखा है, तो हाइड्रोजन के 22 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के दाहिनी तरफ नीचे क्या लिखा हुआ है? 11, तो ऑक्सीजन के 11 परमाणु हो गए। आगे देखते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसी को कहते हैं लाल दवा। इसका फार्मूला क्या है? KMnO4। किसे किसे मिलके बना है? बनाइए के का मतलब पोटेशियम, Mn का मतलब मैग्नीज और O का मतलब ऑक्सीजन। इन चीज़ों से मिलके बना है। के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए कोई अंक नहीं है, इसका मतलब एक है। Mn मैग्नीज का भी एक ही है क्योंकि Mn के बगल में कोई अंक नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के चार हैं क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे बगल में चार लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसी को कहते हैं क्या? धावन सोडा, Na2CO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। किससे किससे मिलके बना है? सोडियम से, कार्बन से, ऑक्सीजन से। अब सोडियम के नीचे देखिए दो लिखा हुआ है, Na के बगल में नीचे दो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखिए, तो सोडियम का परमाणु कितना है? दो है। सी के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब कार्बन का एक है। ऑक्सीजन के नीचे, ओ के नीचे तीन है, इसका मतलब ऑक्सीजन का तीन है, ठीक। आगे चलते हैं, अब यहाँ आप लोग को बताना है दसवां, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं। अब NaHCO3 का, ओ सॉरी, NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसमें तत्व तो कौन कौन से हैं? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब देखिए इसके सामने आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सोडियम के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। ये इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल क्षारक तथा लवणों का उपयोग। तो अम्ल क्षार और जो लवण होते हैं इनका जो होता है घरेलू या औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग क्या क्या है ये भी देख लेते हैं, और इनका रासायनिक सूत्र भी देखते हैं, नाम भी देखते हैं, और इनका व्यापारिक नाम क्या होता है ये भी जानेंगे यहाँ पे हम। तो देखते हैं, देखिए इस तरफ अम्ल क्षार तथा लवण, उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे,
इधर रासायनिक नाम लिखा हुआ है, यहाँ व्यापारिक नाम है, और यहाँ घरेलू उपयोग क्या होता है या औद्योगिक उपयोग क्या होता है, ठीक ये बताया गया है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4, इसको कहते क्या है, गंधक का अम्ल। अब इसका घरेलू उपयोग तो नहीं, लेकिन औद्योगिक उपयोग क्या है, उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैटरियों के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े आदि उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल का देखते हैं HNO3, इसको कहते हैं क्या, शोरे का अम्ल, जो इसका व्यापारिक नाम होता है इसको शोरे का अम्ल कहते हैं। इसका भी उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में है, अम्लराज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण एवं सोने चांदी को शुद्ध करने में, सोने चांदी को साफ करने में भी HNO3 का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, अब देखिए इसका इस्तेमाल पटाखे तथा अन्य विस्फोटक जैसे TNT, डायनामाइट विस्फोटक आदि बनाने में भी होता है। चलिए अगला देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रासायनिक सूत्र क्या है, HCl, इसको कहते हैं क्या, नमक का अम्ल। घरेलू उपयोग क्या होता है इसका, टॉयलेट की सफाई होती है इससे, और जो औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में। अगला देखते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH, जिसको क्या कहते हैं, सिरका, ठीक, जो सिरका हम खाते हैं ना वही, घर में क्या इस्तेमाल होता है, तो घर में अचार बनाने में इस्तेमाल होता है और दवा में भी काम आ जाता है। रासायनिक औद्योगिक क्षेत्र में सेलुलोज एसीटेट या फोटोफिल्म के निर्माण में, ठीक, फोटोफिल्म जो होती है उसके निर्माण में इसका काम हो जाता काम आता है ये, और सफ़ेदा बनाने में भी काम आता है, जो सफ़ेदा वाइटनर हम लोग लगाते हैं ना उसको बनाने में भी C3COOH या एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अगला देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र NaOH, हाइड्रोक्साइड को OH से समझा जाता है, ठीक, OH से हाइड्रोक्साइड होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसका मतलब NaOH, इसको कहते हैं क्या, कास्टिक सोडा। घरेलू इस्तेमाल, घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में होता है इसका काम, और औद्योगिक क्षेत्र में साबुन निर्माण में काम आता है ये। आगे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कहते हैं चूना, घरों की पुताई, घरेलू उपचार, ये घरेलू इस्तेमाल है इसके, और औद्योगिक क्षेत्र में अमोनिया निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में, ठीक। अगला देखते हैं सोडियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NaCl, इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक नाम कामन साल्ट कहते हैं, ठीक, नमक या कामन साल्ट। घरेलू उपयोग, भोजन में करते हैं हम नमक के रूप में, ORS घोल में भी इसका इस्तेमाल होता है, औद्योगिक क्षेत्र में क्लोरीन निर्माण में, साबुन उद्योग में। आगे देखते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, रासायनिक सूत्र है इसका, अब इसका धावन सोडा कहते हैं इसको, इसका जो व्यापारिक नाम इसका धावन सोडा है। घरेलू उपयोग क्या है, कपड़ों की धुलाई में इसका इस्तेमाल होता है, और औद्योगिक क्षेत्र में कांच के निर्माण में या जल की कठोरता दूर करने में इसका इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में फ़र्क क्या है, देखिए सोडियम कार्बोनेट में Na2 लिखा होता है, CO3 तो वही रहेगा, Na2 होता है, और वही जब बाइकार्बोनेट होता है तो जो Na के नीचे 2 लिखा है वो 2 हटके उसकी जगह पे H आ जाता है, ये जो यहाँ पे 2 है इसकी जगह पे H आ जाता है, तो बस वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है वही, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, इसको क्या कहते हैं, व्यापारिक नाम खाने का सोडा, ठीक, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना सोडा, वो वही सोडा है ये NaHCO3। घरेलू उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर कहते हैं इसी को, ठीक, बेकिंग पाउडर इसी को कहते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थ के निर्माण में, और
औद्योगिक क्षेत्र में सोडियम कार्बोनेट बनाने में और पाचक पदार्थ के निर्माण में। ठीक, अब देखिए ये आप लोग को समझा दिया मैंने, आप लोग इसको एक बार खुद से ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आप लोग को याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक, अब अगला पाठ या आगे की जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।